नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। खतौली गंग नहर पिकनिक पॉइंट व गंगा आरती का हुआ भव्य आयोजन। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली गंग नहर पर आज से हुई गंगा की महाआरती व पिकनिक पॉइंट की शुरुआत, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी सैलवा कुमारी जी, खतौली विधायक विक्रम सैनी बुढ़ाना, विधायक उमेश मलिक, MDA सचिव महेंद्र कुमार, ADM प्रशासन अमित कुमार ने पूजन से शुरू किया। पूजन के बाद खतौली गंग नहर तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। खतौली गंग नहर पर पिकनिक पॉइंट व गंगा महाआरती का आयोजन खतौली विधायक विक्रम सैनी व जिलाधिकारी सैलवा कुमारी जी के अथक प्रयासों से आज से शुरू हुआ। इस आयोजन में खतौली के आसपास क्षेत्रों से भी भारी संख्या में महिला व पुरुष, बच्चे पूजन और गंगा की आरती में शरीक हुए। खतौली विधायक ने कहा, सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िए गंगा जल लेकर खतौली से गुजरते हैं, जिसकी व्यवस्था के लिए खतौली गंग नहर पिकनिक पॉइंट व गंगा आरती के आयोजन की शुरुआत आज से की गई है। खतौली की जनता हरिद्वार के बाद यहां मिनी गंगा को महसूस कर सकेंगे। इस आयोजन में प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विशाल प्रजापति, पवन, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। विधायक जी, आज महाआरती का कार्यक्रम क्या गया? आज खतौली गंग नहर के पुल पर एक पिकनिक पॉइंट का, जिसे हम कह सकते हैं पर्यटन पॉइंट का, आज उद्घाटन हुआ है और गंगा महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बुढ़ाना के माननीय विधायक उमेश मलिक जी उपस्थित रहे, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय पार्टी के विजय शुक्ला जी रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे भक्तजन, नगरवासी इसमें रहे। विधायक व्यवस्था रहेगी विधायक साहब, गंगा घाट पे मनाना चाहिए, कब से इसकी मंशा हुई, कब शुरुआत हुई? ये पिछली बार जब कांवड़ यात्रा चल रही थी कोरोना काल से पहले, तब यहाँ मन में आया था, क्योंकि एक पिकनिक पॉइंट बना गया था बनावटी, पर्दे वर्दे लगाकर, तो लोग उसकी सेल्फी ले रहे थे। हमारे मन में आया क्यों ना सचमुच का एक पिकनिक पॉइंट बनाया जाए और सौंदर्य को एक दर्शाया जाए, तो तब से मन में था और ये अब साकार हुआ है। विधायक जी, सौंदर्यकरण के लिए अभी क्या क्या होना बाकी है? अभी बहुत कुछ होना बाकी है। साइड में जो जगह पड़ी है उसका ढलान करके उसमें घास लगेगी, फुलवारियाँ लगेगी दोनों साइड में, और सामने इसके गंग नहर के पूर्व दिशा में एक भव्य पार्क बनाया जाएगा। अभी बहुत काम होना बाकी है। एक पुलिस चौकी का निर्माण यहाँ प्रस्तावित है, पुलिस चौकी होगी और हम समिति भी इसमें देख रहे करेंगे। हाँ, समिति बनाई गई है, समिति इसमें पूरा सहयोग करेगी और चौकीदार वगैरह भी रखे जाएंगे, कैमरे लगा दिए गए हैं, और भी कैमरों की आवश्यकता पड़ी, CCTV कैमरे और भी लगाए जाएंगे। विधायक जी, एक बहुत अच्छा काम है पिकनिक पॉइंट का, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो भाई बहुत आवाज़ आ रही है, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ अपने क्षेत्रीय विधायक विक्रम सैनी जी को, कि मैं समझता हूँ दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक गंगा के किनारे, नहर के किनारे पे इतना सुंदर पर्यटन स्थल, इतना सुंदर पर्यटन पॉइंट बनाया है कि आते जाते लोग देख कर जाएंगे, और इससे खतौली की सुंदरता बढ़ी है, जनपद मुजफ्फरनगर की सुंदरता बढ़ी है, और इसमें पूर्णता सहयोग जो रहा है वो विकास प्राधिकरण का रहा है, विधायक जी का प्रयास रहा है। मैं गंगा समिति जो इसकी देख रेख कर रही है और जिसने आज ये कार्यक्रम का संचालन भी किया है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ इस क्षेत्र की जनता से कि जितना सुंदर स्थान ये बना है इसे सुंदर ही बना के रखें। धन्यवाद।